राजधानी भोपाल के गांधीनगर स्थित आईटी पार्क में मल्टीनेशनल कंपनी आर्टेक इन्फोसिस्टम्स के नए सेंटर का शुभारंभ सहकारिता राज्य मंत्री विश्वास सारंग ने किया। इस दौरान आर्टेक इंडिया के संस्थापक और एमडी अजय पोद्दार, आर्टेक के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज रवीश चतुर्वेदी, आर्टेक इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑपरेशंस आशीष सिंह उपस्थित रहे। इस अवसर पर राज्य मंत्री विश्वास सारंग ने आर्टेक इन्फोसिस्टम्स के नए सेंटर के लिए एमडी अजय पोद्दार को बधाई दी। आर्टेक एक बड़ी आईटी कंपनी आई है और उसका आज से शुभारंभ हुआ है। इस तरह के एस्टेब्लिशमेंट, इस तरह के नए प्रतिष्ठान खुलने से जहां एक और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट तो उस कंपनी में काम करने वालों को मिलता ही है, उसके साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से भी आसपास के क्षेत्र में विकास होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के एस्टेब्लिशमेंट आए, इस तरह का कि नई कंपनियां आए। मैं बहुत बधाई देता हूं, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि नरेला विधानसभा में ये नया प्रतिष्ठान। इस अवसर पर आर्टेक इंडिया के संस्थापक एमडी अजय पोद्दार ने कहा कि आर्टेक इन्फोसिस्टम्स की स्थापना 1992 में हुई थी, जो कि आईटी सेक्टर में एमएनसी कंपनीज को वर्कफोर्स मैनपावर प्रदान करने का कार्य करती है। वहीं इस दौरान आर्टेक के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इंडिया रवीश चतुर्वेदी ने कहा कि हमारी कंपनी का मैनेजमेंट सिस्टम सामाजिक जवाबदारियों को ध्यान में रखकर काम करता है और भोपाल शहर में कई बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं जो हमें कई तरह के टैलेंट प्रदान करेंगे। यहाँ के जो यंग कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं और जो प्रोफेशनल्स हैं उनमें हमने वो काबिलियत देखी तो हमें लगा कि हमें यहाँ अपना ऑपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, हमें यहाँ पे राइट टैलेंट मिलेगा। और हमारा मध्य प्रदेश से एक बहुत स्ट्रांग कनेक्शन ऑलरेडी है। हम बहुत सारे एनजीओज जो हमारे प्रोमोटर्स हैं मिस्टर अजय पोद्दार और मिसेस रंजनी पोद्दार, उनकी जो फैमिली है और उनके जो बैकग्राउंड है, काफ़ी एनजीओज हम रन करते हैं और उसी में से कुछ एकल प्रोग्राम शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा जो हम यहाँ पे इंडिया में कई जगह रन करते हैं और मध्य प्रदेश में औरंगाबाद में और कई जगहों पे हम ऑलरेडी रन कर रहे हैं। तो ये एक रीजन था हमें यहाँ आने के लिए। आर्टेक के वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस आशीष सिंह ने कहा कि भोपाल में अपने प्रोजेक्ट के शुरू होने पर हमें गर्व है और भोपाल में हमारे सेंटर हमारे बिजनेस को और आगे बढ़ाएगा। बाइट आशीष सिंह। आर्टेक इन्फोसिस्टम एक बहुत बड़ी स्टाफिंग कंपनी है और अक्रॉस द ग्लोब हमारे 7,800 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। हमारे 25 से ज़्यादा ऑफिसेज हैं अक्रॉस द ग्लोब और भोपाल हमारा कोर स्टाफिंग के लिए थर्ड सेंटर होगा। हमने शुरुआत की है 100 सीटर से और आने वाले सालों में हम इसे 500 से 1,000 सीटर ले जाने की कोशिश करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के कार्य की वजह से भोपाल बहुत डेवलप है आज की डेट में और हमारा मुख्य मकसद यही था कि हम भोपाल के फ्रेशर्स को मौका दें। सर से हमारा एक्सपेंशन प्लान है। अब मैं अगर बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलूं तो आप समझिए कि हम आज से शुरू कर रहे हैं और हर महीने कम से कम हम 30 से 40 लोगों को ऐड करते जाएंगे। आप उससे कैलकुलेट कर लीजिए कि हर साल कितने लोगों को ऐड करेंगे। क्यों 30 से 40 लोग ऑन फ्लोर की बात कर रहे हैं? क्योंकि हमें हमारे HRVP ने बताया आपको कि हम 3 महीने तो ट्रेनिंग में लगाते हैं तो उनको हायर करना ट्रेन करना इसमें समय लगता है। ऊपर से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम कैंपस सेलेक्शन के लिए जाते हैं तो उसका शेड्यूल क्या है उसके हिसाब से हम लोगों को सेलेक्ट करते हैं, ट्रेन करते हैं, उसके बाद फिर उनको एंगेज करते हैं। भोपाल से EMS TV के लिए आकाश सोनी की रिपोर्ट।